शहर के सभी मुद्दों के लिए आपके साथ संघर्ष कर रही है। बहुत सारी समस्याएं शहर की ऐसी है जो शासन प्रशासन को मालूम होने चाहिए और इस मंच के माध्यम से हम ये समस्या पुलिस विभाग के सामने रखना चाहते हैं। पुलिस विभाग में यानी क्राइम, ट्रैफिक और फायर, ये जितने भी विभाग हैं, एक समय में है कमिश्नरेट बनने के बाद में सभी के डीसीपी यहाँ पे शहर में मौजूद है। सबसे बड़ी समस्या मैं यहाँ शहर की बताना चाहता हूँ जिसे लोग आए दिन फेस कर रहे हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं 10वीं 12वीं के एग्जाम शुरू है, बोर्ड एग्जाम है, लाइट रनिंग टाइम होता है बच्चों के लिए और ऐसे में डीजे बजते हैं, शादियां निकलती है, सड़क पे पीड़ित लोग भी परेशान रहते हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध रहेगा पुलिस विभाग से भी कुछ सख्त और स्ट्रॉन्ग एक्शन उठाने की आवश्यकता है। सेकेंड हमारा है ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। डीसीपी ट्रैफिक साहब मौजूद है, मैं डीसीपी ट्रैफिक साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि शहर के अंदर में जितने भी यू टर्न बने हैं, सभी जितने भी बने हैं उन पे डिस्कशन नहीं हुआ है शहर के साथ में, प्राधिकरण के साथ में भी डिस्कशन कितना हुआ है हमें मालूम नहीं है। अनुरोध यह है जब शहर के लोग यहाँ रहते हैं उन यू टर्न का सबका शहरवासी इस्तेमाल करते हैं, उसमें शहर के निवासियों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमारे हिसाब से रोड इंजीनियरिंग सही नहीं है, रोड इंजीनियरिंग पे काम होना चाहिए। बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनको आधा कर दिया गया है, ट्रैफिक और ट्रैक यू टर्न से मुड़ने पाते हैं। अनुरोध है कि सिस्टम को ठीक करने के लिए आरडब्ल्यूए फेडरेशन इन सब लोगों के साथ मिलकर काम करे तो ये सब समस्या ठीक हो सकती है। अधिकतर शहरों में ये देखा गया है कि जो यू टर्न होता है वो आपके लेफ्ट साइड से होता है और लेफ्ट साइड से होकर के दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे हो जाता है। ये शहर ऐसा है जहां पर यू टर्न राइट साइड से है, तो इस पे काम करने की आवश्यकता है, ऐसी हमारी सोच है। ये सब चीजें हम लोगों ने सिविल इंजीनियर से डिस्कस करने के बाद में आपको बताई है। इसके बाद में फायर, शहर जो है हमारा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, अच्छे काम भी हो गए हैं और जो शहर की मंजिल है वो भी बहुमंजिला है, 40 मंजिल स्टोरी हमारे शहर में है और आगे भी बढ़ने लग रही है। हर दिन आग लग रही है, कल सेक्टर 51 में आग लग गई, एक सप्ताह पहले भी सेक्टर 51 में आग लगी थी। तो ये समस्या जैसी जैसी गर्मी आएगी दिन दिन बढ़ती रहेगी। इस समस्या के समाधान के लिए फायर डिपार्टमेंट को मजबूत होने की आवश्यकता है। हमारे फायर टेंडर इतने मजबूत होने चाहिए, उनकी लेटर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी मंजिल है वहां तक लोगों को सेव कर सके, वहां से उतार सके। हेलीकॉप्टर हमारे पास नहीं है, अगर प्राधिकरण इतनी बड़ी परमिशन दे रहा है इतनी बड़ी मंजिलों को बनाने के लिए, तो निवासियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग के नोएडा प्राधिकरण की होती है। अनुरोध है कृपया इसको काम करें, फायर विभाग के बिना इन सब चीजों से निपटारा बड़ा मुश्किल है। गांव देहात के अंदर में नोएडा प्राधिकरण की मर्जी के बिना ही इस तरह की बिल्डिंग बना दी गई है, लोग नहीं पहुंच पाते, फायर टेंडर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, कैजुअल्टी हो सकती है। इस ओर पुलिस विभाग को भी ध्यान देना और प्राधिकरण को भी ध्यान देना है। पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिससे क्राइम पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हर दफा हर मीटिंग में इस बात पे, इस मुद्दे पे चर्चा होती है। हमारे निकटवर्ती क्षेत्र दिल्ली अगर वहां देखेंगे तो वहां पुलिस वेरिफिकेशन बहुत शिद्दत से होती है। हमारे यहाँ ना टैलेंट की वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाती है गौतम बुद्ध नगर के अंदर में, और ना और कबाड़ियों की ना और हॉकर्स की, आठ बजे लगातार अनुरोध करती रहती है। प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, कभी बैंक में जाना है कभी कहीं जाना है। एक एक मोटा बता रहा हूँ सर, मैं खाली हेडलाइन लगा रहा हूँ। तो मेरा अनुरोध रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन पे जोर दिया जाए। मेट्रो स्टेशन पता जाना है, एनएमआरसी आ गया, डीएमआरसी आ गया, हर स्टेशन पे देखोगे तो ट्रैफिक ऑटो वाले महिलाओं से और निवासियों से बदतमीजी करते हैं, किसी का भी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ऑटो का नंबर नहीं है, गाड़ी का नंबर नहीं है, कब किससे बदतमीजी हो जाती है कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अनुरोध यही है कि जो ऑटो ड्राइवर जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, नंबर नहीं है, उनको ट्रैफिक ना मूव करने दिया जाए। ई रिक्शा भी बहुत सारे बढ़ गए शहर के अंदर, पेट्रोलिंग हर जगह होनी चाहिए। और धन्यवाद दूंगा पुलिस विभाग का, पेट्रोलिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। पार्कों में सुबह जब मॉर्निंग में हम घूमने जाते हैं तो हमें पुलिस वहां पर नजर आती है तो हमारे हॉस्पिटल बंद होते हैं, हम बहुत जल्दी पार्क जाने वालों में से है, तो इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। अनुरोध रहेगा कुछ और पेट्रोलिंग रहे जिससे और निवासियों को भी रात में भी निकल सके। और जैसे कि मालूम है अब तो देर तक ही महिलाएं शहर में निकल पा रही है, तो इसके लिए पुलिस विभाग का बहुत धन्यवाद। कॉमर्शियल बैंकर टैक्सी ये सब चीजें सेक्टर में अनऑथराइज पार्क हो जाती है, आरडब्ल्यू लगातार चिल्लाती रहती है, बात करती रहती है, ये सबसे बड़ी समस्या आरडब्ल्यू के साथ में है। तो
कॉमर्शियल पेंटिंग की पार्किंग, बसों की पार्किंग, बसों के अंदर आदमी घुसे रहते हैं उसमें, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अनुरोध रहेगा इसको कुछ काम करें। वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है। ये सब चीजें जितने पॉइंट है हम लोगों ने आपको लिख के दिए है। मेरा अनुरोध रहेगा पुलिस विभाग से, ये जो मीटिंग हमारी होती है इस पे मिनट्स ऑफ मीटिंग कराया जाए प्राधिकरण के अंदर। इन दोनों प्राधिकरण ने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग करानी शुरू करी है। लास्ट टाइम जब रितु महेश्वरी से मिलकर आया उसकी एक लंबी मिनट्स ऑफ मीटिंग करी है, जिसने भी अपना लिख करके जो भी रिक्वेस्ट भेजी है उस पर संज्ञान लिया है प्राधिकरण ने। पुलिस विभाग से भी अनुरोध रहेगा कि जो हम राइटिंग में आपको देते हैं उसका राइटिंग में हमको जवाब मिले, और क्या कार्य हमारे इस चिट्ठी पे और पत्र व्यवहार पे हो रहे हैं वो हमें टाइम टू टाइम हमें पता चल सके। बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत स्नेह लिया और आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।